कि कोई भी आदमी अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, हमारे सारे बच्चे चीते हैं, कोई बच्चा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो एंड्रॉयड पे चले, जिसको एक जाहिल आदमी 18 महीने को इस्तेमाल करके कोडिंग सीख ले, तो उसके लिए उन्होंने 125 करोड़ रुपए का नाम रखा है। xprize.org वेबसाइट है जिसके ऊपर $15 मिलियन यानी 150 करोड़ रुपए का इनाम है, जिसके अंदर उन्होंने तरीका भी बताया है कि आप इस इनाम को कैसे ले सकते हैं। वो इनाम ये है कि हवा से पानी निकाला जाता है। आपको पता है हवा में रतूबत होती है 50% 70%, जैसे आज इस्लामाबाद में बारिश हुई है तो वो 70-80% है, तो सर्दी ज़्यादा है। तो वो उसकी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि आप किस तरीके से हवा से पानी निकालते हैं, और उसको निकाल के अगर आपने सर्टेन गैलन्स अचीव कर लिए तो वो आपको 150 करोड़ रुपये का इनाम देने को तैयार है। मेरी गुजारिश अगेन बतौर एज अ सेनेटर आप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर कम से कम कुछ जो करें कि आप इसका चर्चा कर दें। एक्सप्राइज का ये नाम अपनी वेबसाइट्स, अपने फेसबुक से शेयर करें, अपने पेज से शेयर करें, कि लोगों को कम से कम स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चों को इल्म, तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ये थर्ड ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो सारी ज़िंदगी 20 साल से वही बनाते हुए आ रहे हैं, बजाय उसके वो ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढें, सर्च करें, जिनके ऊपर उनको करोड़ों रुपये का इनाम भी मिलेगा और उससे दुनिया को बेहतर हो जाएगी। यानी जिस दिन ये अचीव हो गया तो आप इमेजिन करें कि कितने करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, कि पानी का मसला, हमें पानी के लिए हम डैम बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हवा तो हर जगह मौजूद है, हवा से पानी निकाल सकते हैं। तो ये मसला हल करने की रिक्वेस्ट है। दूसरा इसी तरह एक और एजुकेशन का प्रोजेक्ट है कि कोई भी आदमी अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, हमारे सारे बच्चे चीते हैं, कोई बच्चा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो एंड्रॉयड पे चले, जिसको एक जाहिल आदमी 18 महीने को इस्तेमाल करके कोडिंग सीख लें, तो उसके लिए उन्होंने 125 करोड़ रुपये का इनाम रखा है। इसी तरीके से टोटल 12 इनाम है एक्स प्राइज पे। तो आप, मेरी गुजारिश है कि एक्स प्राइज पे थोड़ा टाइम गुजारें, और एक हैंड और मैं पेश करूंगा कि हम अपना अवार्ड बनाएंगे। मैं रेहान अवार्ड तकरीबन 4 साल पहले बना चुका हूं, उसके अलावा आप कोई नाम सजेस्ट करें और एक और बनाएं कि हम अपने बच्चों को खुद इनाम देंगे, अपने मसाइल को हल करो और उनको हल करने पर हम आपको इनाम देंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज के जो बच्चों के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, टाइम ज़ाया करते हैं वो, उसके बजाय वो कोई ऐसी चीज़ को क्रिएट करें जिस जो चैलेंज हो, और ग्रैंड चैलेंज जो होता है वो मसले को हल करता है। ठीक। और जो पहला एक्स प्राइज था वो एक ईरानियन खातून ने स्पॉन्सर किया था, जिसके नतीजे में आज जो वर्जिन गैलेक्टिक है एक्स, जो उसके नतीजे में स्पेस एक्स है, ये लॉन्च हुए हैं कि वो एक ऐसा जहाज़ बनाया जाए जो कि चांद पे जाए, चांद पे नहीं, खला में जाए, खला से वापस आए और उसको टेक ऑफ एंड लैंड कर सके। उसका $1 मिलियन का इनाम था और वो ईरानी एक हमारी बहन है जिसने दिया था, और ये आज से 15 साल पुरानी बात है। चैलेंज में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 80 साल पहले से हम सारे लोग जो हैं वो $10 मिलियन का अगर इनाम दे रहे हैं, लेकिन आप कितने बिलियन का आप डैम बनाने जा रहे हैं, अरबों रुपए आप खर्च करेंगे उसके ऊपर। तो अगर सिर्फ 100 करोड़ रुपए देकर आप ये जीत सकते हो इनाम, तो होता क्या है कि सारे इन्वेस्टर्स आते हैं अपने इनाम के लिए, शान शौकत के लिए जाता है, कोई कोई हर मसला हल करने के लिए जाता है, और 10 करोड़ की 100 करोड़ की जगह वो हज़ारों अरब रुपए लगा देते हैं सब टीमें मिलके। 100 टीमें आती हैं, एक आदमी तो नहीं आता, कोशिश करते हैं सब मिलके, टीमें जिस तरह रेस लगाते हैं, क्रिकेट का होता है, सॉकर का होता है, हॉकी का होता है, इस तरह इसके लिए भी इनाम मिला जाता है कि हमने ये आप अचीव करें तो हम आपको ये इनाम दे देंगे। जैसे मैं लैपटॉप बांटता हूँ कि भाई तुम ये वाला काम कर लो तो मुझसे लैपटॉप ले लो, इनाम होता है वो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है इस तरह का अवार्ड बनाने के लिए, हम पूल पैसे जमा कर लेंगे बाजार से? देखिए, बहुत अच्छी आइडिया है, लोगों को इनक्रेज करना है, असल में लोगों को डायरेक्शन देना है, और सच्ची बात यह है कि लोग जब डायरेक्शन दुरुस्त हो और लोगों को इनक्रेज किया जाए तो बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो जिसको कहते हैं ना मुहैयरुल अकूल, हैरतअंगेज, अनबिलीवेबल। तो मुझे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है कि ये जो हमारा यूथ है, टैलेंटेड है, इसको डायरेक्शन दुरुस्त की जाए और इसको इनक्रेज किया जाए, और यही तरीके जो आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे इत्तेफाक है आपसे।